बांग्लादेश कराची में भी मौजूद है। ऐसा गलियां भी हम दिखाएंगे आपको। फेवरेट डिश मछली और चावल है, लेकिन यहाँ का जायका बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा पसंद है। ये मिर्ची जो है ना हर टेबल पे पड़ी हुई है। क्या क्या इसका क्या मछली का सर है? मछली का सर है ये। तो हम भी जरा देखते हैं कैसे खेल रहे हैं। ये भी इसी तरह ही है। ये भी पेज में अच्छा हो। तो बताओ हमें, हम आपके हाथ का खाते हैं। ये भुजिया बनाते हैं, भी खाते हैं, सब्जी में भी पकता है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान आपने देखा, कराची आपने देखा, बांग्लादेश तो पाकिस्तान से अलग है, लेकिन बांग्लादेश कराची में भी मौजूद है। तो कराची के अंदर जो बांग्लादेश है, हम आज उधर का विजिट करा रहे हैं आप। तो ये छोटे से बांग्लादेश में मैं घूम रहा हूँ इस वक्त। यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी आपको, बांग्लादेश की भी मिलेगी, और वैसे तो कराची जो पाकिस्तान में जो चीज़ें मिलती हैं वो तो मिलती हैं, लेकिन बांग्लादेश का सामान भी मिलेगा। बांग्लादेशी इलाके के अंदर मैं इस वक्त घूम रहा हूँ, और बांग्लादेश का जो मिनी बांग्लादेश है जो कराची के अंदर है बफर जोन में, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और थोड़ा सा गलियाँ भी हम दिखाएंगे आपको कि बिल्कुल ऐसे महसूस होगा जैसे आप बांग्लादेश में घूम रहे हैं। तो थोड़ी सी गलियाँ भी देखते हैं। यहाँ पर ये बांग्लादेश का कुछ मेरे ख्याल से पकौड़े भी बिक रहे हैं, इनसे पता करते हैं पकौड़ों के बारे में। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ बांग्लादेश के होटल के अंदर। बांग्लादेश में मौजूद नहीं हूँ, हूँ तो मैं पाकिस्तान में कराची के अंदर, लेकिन कराची के अंदर बांग्लादेश का होटल आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको बांग्लादेशी डिशेज मिलेगी हर किस्म की। कुछ लोग यहाँ पर कुछ खा रहे हैं, देखते हैं कि वो बांग्लादेशी डिशेज खा रहे हैं या एक आम रूटीन के मुताबिक जो डिश खाते हैं वो खा रहे हैं। तो देखते हैं कि ये सारी बांग्लादेशी डिशेज खा रहे हैं कि क्या महसूस करते हैं खा के, यानी कि ये ऐसे महसूस होता है जैसे ये खुद बांग्लादेश में मौजूद हैं। ये इस होटल में बैठने के बाद जो है ना बांग्लादेशी माहौल लगता है। और दाल और मछली और चावल राइस इनकी मखसूस और ख़ास डिश है। सबसे बेहतरीन और मोस्ट फेवरेट डिश मछली और चावल है। तो देखते हैं कुछ लोग खा रहे हैं, उनसे पता करते हैं। ये एक साहब यहाँ पर मछली और राइस, यानी कि बांग्लादेश की पसंदीदा डिश जिसको बोलते हैं, वो नोश फरमा रहे हैं, और इनसे जायका भी पता करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरे ख्याल से ये दाल में क्या, ये अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताएं, ये आपने शोरबा इतना सारा डाला हुआ है, क्या कुछ कम भी डाल सकते हैं या ज़्यादा ही डाल के खाते हैं? ये तो मैंने मेरे हिसाब से डाला है। अच्छा, बचपन से ऐसे खाता हूं। अच्छा, ज्यादा डाल के खाते हैं आप? तो ये आपकी मर्जी, आप जैसे। अच्छा, इस ये मछली का शोरबा है या दाल है, ये क्या है? ये मिक्स है। मिक्स है ये। तो यानी कि आपको कैसा महसूस होता है खाने में, क्या यानी कि बांग्लादेश का बिल्कुल वही माहौल है या कुछ जायका इसका चेंज है या ये अलग है इसका? जायका बहुत अच्छा, मेरा कभी जाना नहीं हुआ बांग्लादेश, लेकिन यहाँ का जायका बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा पसंद है। मैं तकरीबन 3 साल से यहाँ। 3 साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं? अक्सर दोपहर का खाना ही खाते हैं, अक्सर दोपहर का खाना यहाँ पर खाते हैं। और ये बांग्लादेशी डिश है, और बांग्लादेशी होटल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और कुछ लोग यहाँ पर भी राइस। अच्छा मैं आपको दोस्त बता दूँ कि बांग्लादेश के अंदर ज़्यादातर राइस खाए जाते हैं, चावल खाए जाते हैं, ठीक है। और ये राइस हर जगह पे चलते हैं जहाँ पर बांग्लादेशी आवाम रहती है, जहाँ पर बांग्लादेशी इलाके हैं। तो ये भी कुछ दोस्त खा रहे हैं। दोस्त ये आप क्या मछली और चावल खा रहे हैं? जी बिल्कुल। कैसा जायका इनका? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। अच्छा मैंने अभी एक देखा यहाँ पे पीछे, ये मिर्ची जो है ना हर टेबल पे पड़ी हुई है। क्या क्या इसका क्या मकसद होता है? ये जायका है बंगाली खाने के साथ। बंगाली खाने के साथ ये लाजमी होती है? मज़ा आता है, मज़ा आता है। तो यानी कि जैसे अभी आप एक इसकी ये नवाला लेंगे तो उसके साथ एक वो देखिए भाई ले रहा है, लेते हैं नवाला नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हर टेबल में। दोस्तों सामने वाली टेबल है, उधर भी पड़ा हुआ है, देखें ये है। ये दोस्तों चावल जो है ना भर भर के बनते हैं माशाल्लाह से, क्योंकि चावल ही इनकी पसंदीदा डिश है, हर वक्त रेडी है, हर वक्त सालन भी रेडी है। ये बट ये बट भी जो है ना, ये भी जो है ना चावलों में डलते हैं।
चावल बटर और सब्जी बटर, सब्जी चावल, मछली चावल, यानी कि हर चीज आपको जो भी सब्जी है या जो मछली है कुछ भी है ना, आपको चावलों के साथ मिलेगी। ये देखें, ये मुर्गी है, सब्जी चावल, ये मुर्गी है, ये मुर्गी है, इसके साथ भी चावल मिलेंगे। मच्छी का सर है, मच्छी का सर है ये। अच्छा, ये भी उसके साथ मिलता है चावलों के साथ, खाना चाहिए। ये मुस्का मच्छी है, ये मुस्का मच्छी है, ये भी चावल के साथ मिलती है। ये पतला दाल है, पतला दाल है ये। और ये है बड़ा रो मच्छी, बड़ा रो मच्छी है। तो अच्छा, अगर चावल के साथ कोई मच्छी कोई चीज लेना चाहे तो अलग अलग पैसे है? नहीं, एक ही है रेट, एक ही है, एक ही है। भले ये वाली मछली ले लो, भले वो आप कोई सा भी सालन ले लो, 110 है मच्छी, 110, बर्ड 120, भुना 120, मुर्गी 120, सब्जी 80, सब्जी 80। ये है बांग्लादेशी होटल और बांग्लादेशी खास डिश। दोस्तों, चलते हैं गलियों के अंदर, और गलियों के अंदर जो है ना, देखते हैं ये सारा, ये आप देख सकते हैं। ये बांग्लादेश की गलियों में घूम रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मिनी बांग्लादेश इन कराची, बिल्कुल छोटी छोटी सी गलियां, जैसे बांग्लादेश के, बांग्लादेश में जो होती हैं ये वो गलियां हैं। और ऐसे महसूस हो रहा है, क्योंकि देखें वैसे तो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सारी जो है ना एक ही कंट्री है, सब एक ही कंट्री है। यहाँ पर सारी ये गलियां हैं, ये आप देख सकते हैं गलियां, और यहाँ पर भी आपने गलियां देखी हैं। ये देखें, अच्छा ये दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि मेरे ख्याल से ये गुजर नाला भी सामने से गुजर रहा है। ये गुजर नाला भी सामने से गुजर रहा है और बफर जोन में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे कैरम बोर्ड भी लगे हुए हैं, ये खेल रहे हैं, तो हम भी जरा देखते हैं कैसे खेल रहे हैं। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हाँ टमाटर कुछ बोलो, हाँ हाँ बोलो, टाटा जोड़ो। अम्मा कुछ नहीं है, आप हमारा अम्मा हो। मछली का आपका रिश्तेदार देखेगा उधर बांग्लादेश में। अच्छा अम्मा ये बताओ, ये इसको काट रहे हो, इस पे ये जो है ना, ये अलग से सूखती है बाद में, ये यानी कि सूखने के बाद ही या इसी तरह पकाते हैं? नहीं नहीं, फ्राई करता है, फ्राई करता है तेल में। और ये भी इसी तरह ही है? ये भी प्याज में भून के पकाता है। अच्छा, भून के पकाता है। तो मेरे किसी दिन बांग्लादेश के खाने में कैसे खाऊं मेरे तो, मैं तो खा नहीं सकता। आप तो हमारी माँ जैसी हो, तो हम कैसे खाएंगे आपके हाथ का? अच्छा वो बताओ हमें, हम आपके हाथ का खाता है। मैं झींगा बनाता हूं, ये भी करता हूं, प्याला एकदम से।
ये भी लेता है, खाएगा वो भी खा सकेगा भाई। अच्छा वो भी अच्छा है। मेरा छोटा मच्छी का ना लो इधर है वो भी। यार मेरे को वहाँ बिस्मिल्ला लेना चाहिए। अम्मा जरा मुझे ये बताना, इनका मैसेज है घुमाऊंगा बताना क्या क्या चीज़ है। ये क्या चीज़ है? ये चीनी देखते हैं। चीनी वीडियो बना लेना। चीन मच्छी। चीन मच्छी तो सूखने के बाद जो है ना फिर इसको कैसे पकती है? ये बेचते दुकान है। ये भुजिया बनाते हैं, मुनके खाते हैं। अच्छा और ये क्या चीज़ है? ये चुरचुरी है। चुरचुरी ये भी मच्छी है? ये मच्छी सुखाने के बाद ये कैसे पकती है, किस सालन में पकती है? ये सालन में सब्जी में पकते है, भून के खाते हैं। अच्छा भून के भी खाते हैं, सब्जी में भी पकता है। ये क्या चीज है? ये झींगा है। तो क्या करो? ये झींगा है और जैसे वो जो है कोली में ये छोटा वाला है। ये छोटा वाला झींगा है। ये भी झींगा है? ये झींगा है। ये परिंदे का दाना है? परिंदे का दाना है। परिंदे का दाना है ये जो ये परिंदा पड़ा हुआ। हां हां और आदमी का दाना, इंसानों का दाना, आदमी का दाना। ये भी खाता है। दादा का भाई नाम बड़ा छोटा सा नाम का। हेलो इसी का फिंगर बना था। अच्छा इसमें कांटा नहीं होता? नहीं, सब निकाल दे। तो ये बनाया हुआ है जी? ये देखो तैयार करते हैं। सब इसी का फिंगर बना था। इसका फिंगर बना रहे जी? साबुत 300 रुपये बेचते हैं। कैमरा बंद नहीं हो गया? कैमरा बंद नहीं है। साबुत 300 बेचते हैं, गोश्त 700 रुपये। गोश्त 700 रुपये किलो जी? 2.5 किलो काटते हैं तो 1 किलो गोश्त निकलता है सर। अच्छा 2.5 किलो काटोगे ये मछली तो तब जाके जो है ना इस तरह का जो है ना 1 किलो निकलेगा जी, इसलिए ये महंगा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सिंगाड़ा मछली का फिंगर 500 रुपये बेचते हैं। फिंगर का ही काम होता है सारा। फिंगर का काम होता है यहाँ पे सारा मछली के जो फिंगर्स बनते हैं, कुकड़ का फिंगर, मुश्के का फिंगर, सिंगाड़ा। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी जो कि बांग्लादेश की है, जो कि मैंने आपको बांग्लादेश घुमाया। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर बांग्लादेशी आइटम बिक रहे हैं जो कि तेल की सूरत में भी हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, साबुन भी है। और इनसे पता करते हैं कि कौन सी चीज़ किस काम आती है। ज़रा बताएं मुझे शुरू से लेकर, एक मिनट, ये क्या चीज़ है? ये बंगाल का चावल। बंगाल का चावल इतना बारीक? छोटा छोटा। इसे खीर बनाइए आप। अच्छा पुलाव बनाइए। हाँ आप बिरयानी बना सकते हैं इसका। छोटा चावल क्या हिसाब है? ये है आप अल्लाह वाला करें 200 रुपये पाव। 200 रुपये पाव जी। ये है चेवड़ा। चेवड़ा ये दही के साथ खाने वाला, पेट को ठंडा रखता है। ये भी बांग्लादेश का? हाँ ये मैंगो बार है, आम की तरह होता है बिल्कुल। अच्छा, ये बांग्लादेशी जुबान लिखी हुई है? आप बंगाल में लिखा हुआ है। सही, ये वहाँ से मंगवाते हैं आप? हाँ वहाँ। ये क्या चीज़ है? ये भी मैंगो बार है। ये मैंगो बार कराची वाला? ये कराची का मैंगो बार है। अच्छा ये भी, ये क्या चीज़ है? इमली का। ये मैंगो का? ये इमली का। मैंगो का है, ये इमली का है। और बांग्लादेश में जो सामान मिलता है वो आपके साथ पास ये लगा हुआ है, इनके बारे में जरा मुझे बताते रहे। ये बंगाल का किस काम आता है? ये क्या नाम है इनका और क्या किस काम आता है? ये तो इसी खाते हैं बस, शौक है। अच्छा हर कोई खा सकता है इसको। गुड़ है? गुड़ है। अच्छा खजूर का बना हुआ है? लेकिन ये खजूर का गुड़ है? ये खजूर का बना हुआ। ज़बरदस्त। ये अचार? ये जलपाई का अचार है। जलपाई का ऑलिव मतलब जैतून। जैतून का अचार? जैतून का अचार है। ये बांग्लादेश का है? हाँ ये बांग्लादेश। यानी कि यहाँ का नहीं है? ये यहाँ का नहीं है। ये और ये आम का अचार। अच्छा ये कितने का है ये पूरा डब्बा? ये अल्लाह वाला करे 1800 रुपये का। 1800 रुपये का, लेकिन है वहाँ का, वहाँ से आया है? हाँ, यहाँ नहीं बना। नहीं। अच्छा और ये भी वही है? ये भी वही है। ये छोटी बोतल है। ये क्या इसका, ये क्या बताओ? ये खुशबू वाली तेल है। खुशबू वाली तेल? हाँ बालों को बड़े करने वाला है। बालों को बड़ा है? हाँ। जरा और तफसील बताओ इसकी। ये दंदुरस्त तेल बोलते हैं इसको। हाँ हाँ बांग्लादेश में बोलते हैं दंदुरस्त तेल। हाँ ये बाल बड़े कर सकते हैं और बाल में खुशबू भी आएगी। अच्छा खुशबू वाला तेल है बहुत, और बहुत पायदार है, जानदार तेल है। जानदार तेल।
ये कौन सा तेल? ये कद्दू का तेल है। कद्दू का तेल, बाल अगर गिरना आपको शुरू हो जाए, गिरना बंद कर देगा इसको बाल। अच्छा, ये यानी कि यहाँ पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो बांग्लादेश की जो आबादी है वहाँ पर वही पे मिलेगा, उन्हीं जगह पे मिलेगा, उसी जगह पे मिलेगा। तो ये कौन सा है? ये सरसों का तेल है। सरसों का तेल है, ये भी उधर का ही है। हाँ, बांग्लादेश का लिखा हुआ है ना। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको वैसे? सरसों का तेल। सरसों का तेल, ये क्या है? ये बंगाल का साबुन है। बंगाल गोरा करने वाला, गोरा करता है ये? हाँ माशाल्लाह, खुशबू वाला, वाकई गोरा करता है। ऐसे बनी है, गोरा करने वाला है। मैं तो लगा के थक गया, मैं तो काला। ये लगाइए ना, वाकई लगाइए। कितने का एक साबुन है ये? अल्लाह वाले 200 रुपए का एक। 200 रुपए का एक साबुन है ये, गोरा रंग गोरा करने वाला है ये। ये सरसों का और खोपरे का तेल है। सरसों का खोपरे का तेल है, ये तो कराची का ही है। अच्छा, ये यहाँ भी, ये बांग्लादेश की कुछ जुबानें लिखी हुई है इधर। ये बताएं, ये है सब्जियों के बीच। अच्छा, सब्जियों के बीच है? हर सब्जियों के बीच मिलेंगे आपको हमारे पास, सारी सब्जियों के बीच। ये भिंडी लगी हुई है इधर? भिंडी है, तुरई है, लौकी है, लाल साग है, पुई का साग है। अच्छा, ये सारे बांग्लादेश के बीज है? हाँ, लेकिन यहाँ कराची में होता ही सब, कराची में होता ही है। ये क्या है? ये इमली है, इमली की चटनी है। इमली की चटनी है ये भी बांग्लादेश की है, ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, एक पापड़ भी है आपके पास? ये रहा, पापड़ नहीं है ये झालमुरी है। झालमुरी जी, झालमुरी बना हुआ। ये कितने का एक थाली? 80 रुपये का। 80 रुपये दोस्तों, ये थी बांग्लादेश की एक छोटा सा ठेले पे दुकान, जो कि बांग्लादेश का सामान मिल रहा है यहाँ पर। बांग्लादेशी ऑयल, बांग्लादेशी साबुन, बांग्लादेशी अचार, बांग्लादेशी गुड़ जो कि खजूर से बना हुआ है, देख सकते हैं आप। खजूर का राज, खजूर, ठीक है। ये अचार आपने देखा, ये सारी ऑयल वगैरह हर चीज़ देखी आपने। इसको आने का शौक है, देख सकते हैं आप नाज़रीन। ऐसी बनती है वीडियो, ये बनती है ना अभी जबरदस्त वीडियो, लोगों को पता चलेगा। जबरदस्त।